गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय दैनिक राशिफल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर मंगलवार 2023 श्री शुभ संवत 2080 शक संवत 1945 कुवार महीना अंधेरा पाक चौथी तिथि सूर्य कन्या राशि में चंद्रमा वृषभ राशि में आज कृतिका नक्षत्र 10:48 यानी रात 10:48 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य उत्तर दिशा परिहार गुण। कहने का मतलब ये है आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अशुभ है। अगर यात्रा करना अति आवश्यक है तो अगर आप गुड़ खाकर यात्रा शुरू करते हैं तो सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुली काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि राहु काल में ये कार्य किए जाते हैं तो इसमें कष्ट अधिक मिलता है। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं अथवा यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों काम गुलिक काल में अगर आप करते हैं तो सफलता मिलने के चांस आपको बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी देंगे। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षर से मिलकर बनते हैं, उन्हें इस प्रकार समझे जैसे कि प्रा प्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, प्रवीण कुमार हैं, प्रियंका हैं, तो प्रा को आप पा से देखें, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है, और त्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, तो त्रा से भी आप परेशान ना होइए, त्रा को आप ता से देखें। कहने का मतलब ये है त्रा को आप तुला राशि में देखिएगा। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञ होता है, और ज्ञ से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि ज्ञानचंद है, ज्ञान सिंह है, तो ज्ञ से भी आप परेशान न हो, चिंतित न हो। ज्ञ को आप गस देखें। कहने का मतलब आप मकर राशि में देखेंगे। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है, और श्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। श्रा को आप सा से देखें। कहने का मतलब है श्रा को आप कुंभ राशि से देखें। अब हम आपको आगे राशि फल के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। एरिस मेष लग्न राशि के जातकों, आज वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी भी आपको लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। माता का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। टोरस वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज परिश्रम के द्वारा काम में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, मन खुश रहेगा। रोजगार में दिक्कत आएगी, रोजगार मंदा रहेगा। पति या पत्नी को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय साफ धुले प्रेस किए हुए कपड़े पहने। जेमनी मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज फिजूल खर्चा अधिक रहेगा। बाहरी स्थानों से संबंध मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। खजाने में धन की कमी दिखाई देगी। परिवार का असहयोग रहेगा। रोग आदि झगड़े झंझटों से सावधान रहें, मन चिंतित रहेगा। विशेष उपाय
हरी मूंग का दान करें। कैंसर, कर्क लग राश के जातकों, आज मन प्रसन्न रहेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, धन का लाभ होगा, बड़े भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, जल का दान करें। लियो, सिंह लग राश के जातकों, आज खर्चा अधिक रहेगा, बाहरी स्थानों से संबंध सहयोग मिलेगा, पिता से मनमुटाव होने के योग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी काम में बाधा पड़ेगी, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी दिक्कत आने के योग दिखाई दे रहे हैं, माता से मतभेद रहेंगे। विशेष उपाय, भोजन में गेहूं की रोटी शामिल करें। वर्गो, कन्या लग राश के जातकों, आज भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, यश प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, छोटे भाई बहन से मनमुटाव होने के योग दिखाई दे रहे हैं, साहस में कमजोरी दिखेगी। विशेष उपाय, तुलसी दल का प्रयोग करें। लिब्रा, तुला लग राश के जातकों, आज पिता को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी कामों में दिक्कत आएगी, आयु को बल मिलेगा, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, परिवार से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का एक माले का जप करें। स्कॉर्पियो, वृश्चिक लग राश के जातकों, आज धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, भाग्य प्रबल है, यश प्राप्त होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। विशेष उपाय, सुंदर कांड का पाठ करें। सेजिटेरियस, धनु लग राश के जातकों, आज व्यर्थ की चिंता बनी रहेगी, शरीर को रोग आदि से बचाए रखें, आयु में वृद्धि होगी, बुजुर्गों की शक्ति का लाभ मिलेगा, बाहरी संबंध के प्रति सतर्क रहें, खर्चे में तंगी आएगी। विशेष उपाय, पति से आशीर्वाद प्राप्त करें। कैप्रिकॉर्न, मकर लग राश के जातकों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, छात्रों को विद्या का लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, रोजगार में लाभ रहेगा, गृहस्थ सुख की प्राप्ति होगी, परंतु भाई बहन से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, गरीबों की मदद करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक्यूबेरियस, कुंभ लग राश के जातकों, आज व्यर्थ की चिंता बनी रहेगी, रोग और झगड़े आदि झंझटों से सावधान रहें, माता को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, घरेलू सुख में कमी रहेगी, पिता को भी कष्ट रहेगा। विशेष उपाय, ओम संग संसराय नमः मंत्र का एक माले का जप करें। पाइसेस, मीन लग राश के जातकों, आज का दिन छात्रों के लिए विशेष अच्छा है, संतान का सुख प्राप्त होगा, भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, कठिन परिश्रम से कामों में सफलता मिलेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, अपयस मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माले का जप करें। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो आप अपनी राशि को लग्न से देखें। अगर आपको लग्न नहीं मालूम है तो आप हमसे संपर्क करके अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।
हमारे अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना अस्त्र का परीक्षण, जनपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर के सामने पार्क के पास आवाज विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता की।